أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى کا شکر ہے कि मैंने सूरह मुबारक यूसुफ़ की आयत नंबर 77 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, जिसका तर्जुमा यह है कि उन भाइयों ने कहा अगर इसने चोरी की है तो इससे पहले इसके भाई ने भी चोरी की थी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनकी इस बात को दिल में छुपाए रखा और हकीकत उन पर न खोली, बस इतना कहा कि बड़े ही बुरे हो तुम लोग मंजिलत के लिहाज से, और जो इल्ज़ाम तुम लगा रहे हो उसकी हकीकत खुदा खूब जानता है। तफसीर कबीर में और तफसीर जलालैन में इस आयत के ज़ैल में लिखा है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों का ये कहना कि इसके बाद एक भाई ने भी इससे पहले चोरी की थी। मुफस्सिरीन ने लिखा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सोने की एक मूर्ति अपनी नानी के पास से छुपा ली थी ताकि वो बुत परस्ती ना कर सकें। तफसीर तिबयान में लिखा है कि शेख तूसी ने लिखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दस्तरखान से कुछ खाना फ़कीरों के लिए बचा कर रख लेते थे, जिसको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने चोरी कहा। और तफसीर जलालैन में ये लिखा है इस आयत के ज़ैल में कि इसीलिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की ये बातें सुनकर दिल में फरमाया कि तुम लोग मंजिलत के लिहाज से बदतरीन लोग हो। गर्द हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों की इस बदतमीज़ी और इल्ज़ाम तराशी पर गुस्सा तो आया, मगर आप अलैहिस्सलाम ने इसको ज़ाहिर न फरमाया और अपने अमल की तशरीह न फरमाई, बस इतना फरमाया कि तुम जो चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो उसकी हकीकत खुदा को हो मालूम है। और ये बात भी उन्होंने अपने दिल ही में रखी और ये भी दिल में कहा कि चोर तो तुम हो, कि तुमने अपने बाप से उनके महबूब तरीन बेटे को चुरा लिया। ये तफसीर कबीर में लिखा है और तफसीर अनवार नजफ में ये लिखा है कि जो कुछ ये तफासीर में है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की चोरी के सिलसिले में कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनकी फुप्पी ने पाला था और उनको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से सख्त मोहब्बत हो गई थी, जब वो बड़े हुए और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपनी बहन से वापस लेना चाहा तो उन्होंने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का मुतवर्रिक कमरबंद को, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमर में चुपके से बांध दिया था, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया। फिर वो कुछ देर बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आई और फरमाया हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का कमरबंद चोरी हो गया है। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमर से खोल कर निकाल लिया। इस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फिर उनकी फूफी के हवाले कर दिया गया। तफसीर थानवी में लिखा है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अपने भाइयों से चोरी के इल्ज़ाम में ये फरमाना कि इस बात में तुम और भी ज़्यादा बुरे हो, इसका मतलब ये था कि हमसे तो हकीकतन कोई चोरी वाकई नहीं हुई, लेकिन तुमने लोगों के साथ इतना बुरा काम किया कि माल के बजाय तुमने बाप से उसका बेटा ही गायब कर दिया, यानी मुझको बाप से चुरा लिया, और जो कुछ तुम मेरे बारे में बयान कर रहे हो उसकी हकीकत खुदा खूब जानता है कि मैं चोर न था। कुरान का रास्ता बड़ा मोहकम और मजबूत तरीन रास्ता है। सूरह मुबारक बनी इसराइल की आयत नंबर 9 में इरशाद होता है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिलती ही अक़वम व युबश्शिरुल मोमिनीन अल्लज़ीन यअमलून अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा। ये कुरान यकीनन उस राह की हिदायत करता है जो बिल्कुल सीधी है और उन मोमिनीन को जो नेक आमाल बजा लाते हैं ये बशारत देता है कि उनके लिए बड़ा अजर है। कुरान करीम सिरात मुस्तकीम को बयान करने वाला है, यानी कुरान करीम इंसान को कमाल तक पहुंचाने के लिए दुरुस्त साफ और मजबूत तरीन रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है और इसे सीधे रास्ते की दावत देता है। अगर
قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کے باطل کلام کی گنجائش ہی نہیں ہے اور یہ ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے۔ قرآن فطرت انسانی کو بیدار کرنے والا ہے، اس لیے اس کا پیغام انسانی ضروریات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ قرآن جس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ راستہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے، یہ مطلب قرآن و فطرت کی آپس میں ہم آہنگی کی حکایت کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ امام معصوم علیہ السلام بندگان خدا کو قرآن کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور قرآن ان کو امام معصوم علیہ السلام کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ معنی الاخبار میں حدیث ہے صفحہ 32 پر۔ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، عبادت اور تمام انسانی افعال کی زینت خلوص ہے۔ خلوص ہی سے عبادت کو اوج اور عظمت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی عبادات کو حرص، طمع، شرک وغیرہ اور تمام روحانی آلودگیوں سے خالص کر کے خدا کے لیے بجا لائے گا، اللہ عز و جل اس کی تمام مادی و معنوی مصلحت کو بہترین طریقے سے اس کی جانب نازل فرما دے گا۔ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اپنی خالص عبادت اللہ کی جانب بھیجے گا تو پروردگار اس کی بہترین مصلحت اس کی طرف بھیجے گا۔ یہ مجموعہ ورام میں حدیث ہے، جلد 8 پر، صفحہ 108 پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔